बिहार झारखंड के बॉर्डर इलाके में अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बुधवार को 8 जगह पर सीबीआई ने एक साथ छापा मारा, जहां से लाखों रुपए कैश और करोड़ों के जेवरात बरामद हुए। बता दें कि झारखंड में इस समय चुनावी माहौल है, इस बीच झारखंड के कई ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम राजधानी रांची और साहिबगंज सहित 16 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड में अवैध माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग समेत कई मामलों को लेकर मिले इनपुट्स के आधार पर सीबीआई ने छापेमारी की है। वहीं आज सीबीआई की टीम ने साहेबगंज जिले के मिर्जा चौकी में पत्थर व्यवसायी रंजन वर्मा, अवध किशोर सिंह, टिंकल भगत और संजय जायसवाल के ठिकानों पर दबिश दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई ने साहिबगंज जिले के बरहरवा में पत्थर व्यवसाय कृष्णा शाह के दुर्गापुर आवास पर और पत्थर व्यवसाय भगवान भगत, पत्थर व्यवसाय सुब्रतो पाल उधवा प्रखंड के, पत्थर व्यवसाय महताब आलम के घर सहित कुल 8 जगह पर छापेमारी की है। वहीं सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से जिले के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। नहाए खाए के साथ शुरू हुए लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन व्रतियों ने गंगा घाटों पर स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देकर महाव्रत का संकल्प लिया। वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना को लेकर आज भागलपुर के बरारी सिरी घाट पर गंगा स्नान करने छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए बरारी सिरी घाट पहुंचे थे। साथ ही गंगा स्नान कर बरती गंगा जल घर ले जाकर पूजा की तैयारी में जुट गए। घाट पर महिलाओं ने बताया कि छठ पूजा में लगने वाले प्रसाद को गंगा जल से तैयार किया जाता है। गंगा जल लेकर जा रहे हैं? हाँ। क्या कीजिएगा गंगा जल से? इससे पकवान पकाएंगे, खरना का उसमें रसिया बनाएंगे और उससे अरग उरग भी देंगे मिला करके जल में। आपकी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? हाँ जरूर सुनती है। अभी जल लेकर जा रहे हैं, उससे क्या क्या चीज होगा? उसे सांझ के खरना होखेगा, अग्रासन खुलेगा छठ महारानी का, फिर भोर में यहाँ कल सामने अर्घ पड़ेगा, परसों यहाँ फिर भोर में यहाँ निस्तार हो जाएगा छठ मैया। छठ मैया पर कितना भरोसा है? पूरा पूरा सवांग, पूरा परिवार, पूरा देश सवांग, सब परिवार के छठ मैया पर भरोसा है। जल लेके जा रहे हैं, प्रसादी बनेगा और कल ठेकुआ बनेगा और यही सब खरना होगा तो पूजा पाठ होगा। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? हाँ बिल्कुल सुनती है। मैया पर पूरा भरोसा है जी। बेलपुर से, हुसैनाबाद से। कहाँ आए थे? बरारी गंगा स्नान करने आए हैं। गंगा जल लेकर जा रहे हैं, इसका क्या होगा? घर जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर खरना में गंगा जल करेंगे, फिर पहली अरघ को ठेकुआ बनाएंगे उसमें गंगा जल देंगे। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत असीम कृपा है, बहुत सुनती है छठी मैया। हाँ बहुत सुनती है, सुनी है भी और सुनती भी है। कितना विश्वास है? अटल विश्वास है उसपे, बिना पार लगाएगी। हाँ अवश्य। हम हवेली खड़गपुर से आए, बनहरा गांव से। हम जल लेके जा रहे हैं छठ पर्व में, होगा उसके बाद इसका प्रसाद बनेगा, खरना का अर्घ भी दिया जाएगा। इसी से जल लेकर जा रहे हैं, इससे क्या क्या होगा? रसिया बनाएंगे और बारो पकवान में देंगे और अर्घ भी पड़ेगा गंगा जल से। कहाँ से आए हैं? कोरा से। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? सुनती नहीं है तब कितना बहुत दूर दूर गए नहीं, बच्चा मेरा ठीक हुआ, छठ माई को महिमो हुआ, यानी एक सूप देते हैं छठ माई को, दो दो सूप देने लगे। छठ माई को महिमो है तब नहीं करते हैं, और छठी मैया रखता है।
भैया पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। भागलपुर में छठ पर्व के दौरान घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाया गया है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने शहर में यातायात और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी। छठ का महापर्व है, उसके लिए हम लोग पूरा सब लोग जुटे हुए हैं। अब पुलिस कर्मी तो छठ में घर नहीं जा सकते, हम लोग हमारे सारे लड़के लड़कियां जितने भी अफसर हैं, कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी के घर में पर्व होता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग पोस्टेड हैं। तो यहाँ के जो छठ व्रती हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग वर्दीधारी हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करना फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों से। तो हम लोग उसके लिए एकदम लगे हैं हुए हैं, चाक चौबंद लोग व्यवस्था किए हैं हमारे बड़े पदाधिकारी डीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब। शुरुआत तो हम लोग अब जो टाउन का है जनरली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी एरिया से हम लोग शुरू किए भी, यूनिवर्सिटी गोलाघाट, कुशा गोलाघाट, सखीचंद घाट, बुरानाथ, आदमपुर घाट, धोबिया घाट कहलाता है, कोयला घाट कहलाता है, एसएम कॉलेज घाट, हनुमान घाट, तिपली राम घाट, सीढ़ी घाट, बराड़ी घाट इत्यादि कई एक घाट छोटी भी होगी, इस सभी जगह पे छठ व्रत लोग आएंगे और डाला लेके सभी लोग आएंगे, तो उसमें हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके लिए हम लोग सभी पोस्ट पे जहाँ जहाँ रोड से अंदर घाट वाले में ज़्यादा रस नहीं हो गाड़ियों का, उस जगह हम लोगों ने सभी जवान की प्रतिनिधित्व किया है, ट्रॉली लगवाया है, बहुत जगह बैरियर बने हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, बहुत सारे जगह पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल है। जैसे आप बराड़ी में ज़्यादा रस होता है, वहाँ हरिमोहन राय हाई स्कूल है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है। बाहर से आने वाले वाहन यहाँ नहीं रुके, जो नवगछिया जाएंगे या नवगछिया साइड से आएंगे वो 2 बजे के बाद जनरली रुक जाएगी, तो 3 बजे से हम लोग एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई बड़ी गाड़ियाँ पास नहीं करेगी पूल में। उस बार भी छठ व्रती है, इस बार भी छठ व्रती है, तो छोटी गाड़ियाँ से जो आएंगे कोई इधर से उधर जाते हैं, कुछ उधर से भी इस बार आते हैं, तो उसके लिए बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल रोक रहेगा। कल शाम में 3 बजे सब लोग छठ व्रती का जो पहला अलग शाम का अलग, जब तक शांत नहीं है तब तक इसको रोके रखेंगे, फिर गाड़ी चलेगी और रात में फिर 3 बजे से हम लोग गाड़ियां सभी जहां की तहां बड़ी गाड़ी रुकी जाएगी, तब कल परसों सुबह का और बाद वो सभी गाड़ियों को छोड़ी जाएगी बड़ी गाड़ियों के लिए। और छोटी गाड़ियों के लिए आपको बताइए जो सिटी एरिया से आएंगे, अलीगढ़ साइड से जो छठ व्रती आएंगे, जिनको जिस घाट पे जाना है उनको जाने के लिए हम लोग पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बताया हरिमोहन राय हाई स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कार्मेल स्कूल है, डीएम साहब का वास्ते रोड है, गौशाला रोड है, सैंडिस कंपाउंड के पिछले वाले रोड पे है, इत्यादि जगह यूनिवर्सिटी पार्किंग स्थान है, कई एक पार्किंग। राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने में आज सुबह भीषण आग लग गई, देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगा। बताया जा रहा है कि आग थाने के मालखाने में लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने के समय करीब 50 पुलिसकर्मी थाना में मौजूद थे, हालांकि किसी तरह के जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं पत्रकार नगर थाने में आग कैसे लगी इसको लेकर अभी स्पष्ट रूप से कारण नहीं पता चला है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। छठ पूजा का 4 दिवसीय महापर्व 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। मंगलवार से शुरू हुआ ये पर्व शुक्रवार तक चलेगा। वहीं छठ को लेकर भागलपुर के विभिन्न घाट को आकर्षक रूप से सजाया संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में अंग प्रदेश भागलपुर के चंपा नदी घाट को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भवेश यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, अमरकांत मंडल,
अशोक राय एवं पूजा समिति के सदस्यों की देखरेख में घाट की साफ सफाई कराई जा रही है। पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि चंपा नदी घाट पर वर्ष 1983 से हजारों की संख्या में छठ व्रती आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पूजा को लेकर घाट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बता दें कि छठ में महिलाएं अपने परिवार और संतान की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, यश और समृद्धि की कामना के लिए कठोर व्रत करती हैं। महिलाएं पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। वैसे तो छठ मुख्य रूप से बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन भागलपुर के नाथनगर चंपानगर इलाके में छठ पर्व अटूट आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 1983 से ही ये जो हमारा समिति है, ये चंपा नदी घाट ऐतिहासिक घाट है। यहाँ कर्ण दान दिया करते थे, यहाँ कर्ण अर्घ दिया करते थे। ये ऐतिहासिक घाट है और यहाँ रात में यहाँ खरना का मूर्ति स्थापना होगी, यहाँ खरना का पूजा होगा। यहाँ सभी लोग हमारे पूजा समिति के और प्रशासन यहाँ प्रसाद ग्रहण होगा। और ये जो चंपा नदी घाट है, हमारा शुरू से ही पूजा समिति के देखरेख में 1983 से ही बनाया जाता है और नगर निगम हमारे नगर आयुक्त का भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है। नगर निगम की टीम भी, सारे लोग रात दिन लगे हुए हैं और हमारा पूजा समिति का टीम भी दिन रात लगे हुए हैं इस घाट को। यहाँ आपका मूर्ति स्थापना होगा, यहाँ बड़का टेंट बन के तैयार, यहाँ से लाइट की व्यवस्था होगा यहाँ से लगे चौक तक। उसके बाद यहाँ महिला के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया गया है और भव्य रूप से यहाँ दुल्हन के तरह सजा दिया जाएगा चंपा नदी घाट को। और हमारा जिलाधिकारी महोदय से मांग है, जो हमारे पूर्व के नगर प्रभारी नगर आयुक्त थे कुंदन जी, उन्होंने दुर्गा पूजा में भागलपुर का क्या खर्च है और ये हमारा काली पूजा में, और ये टोटल पूजा समिति करती है। और हमारे डीएम साहब के मीटिंग में कहा था, जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में, कि उन्होंने कि भाई इस घाट पर बढ़ा दिया जाएगा। और हमारे नगर आयुक्त बढ़ा भी दिए थे, लेकिन मैडम को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ये घाट हमारा ऐतिहासिक घाट है, जो बढ़ा है मैडम उसको दिया जाए, क्योंकि यहाँ लाखों से ज़्यादा खर्च होता है और यहाँ 30,000 हमारे छठ व्रती यहाँ आते हैं और सारे प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे हमारे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, या हमारे सभी थाना और सीओ बीडीओ, सारे लोग यहाँ इस घाट पे आते हैं और नगर निगम के पूरे टीम यहाँ रहते हैं। डॉक्टर का टीम, हमारा गोताखोर, सारा चीज़ का यहाँ व्यवस्था है चंपा नदी घाट पे। और मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करूँगा कि इस घाट पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था किया जाए और सारे पूजा समिति के लोग आज से दिन रात यहाँ रह के इस चंपा नदी घाट को दुल्हन के तरह सजा दिया जाएगा। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। मंगलवार को नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। आज व्रतियों के घर खरना का प्रसाद तैयार हुआ। वहीं गुरुवार को ठेकुआ, चावल का लड्डू सहित पूजन सामग्रियों से डाला तैयार किया जाएगा और अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जबकि शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इधर नेम, निष्ठा और पवित्रता के महापर्व छठ पूजा को लेकर
भागलपुर स्टेशन चौक के समीप स्थित देसी दवाखाना के वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त ने बताया कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छठ या कभी भी व्रत करना शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है, लेकिन व्रत तोड़ते समय कुछ बातों का ख्याल रखना अति आवश्यक है। वैसे तो लोक आस्था के पर्व छठ में सभी धर्मों के लोगों की आस्था दिखती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति पूजन के बेहद करीब होने के साथ साथ इसकी पवित्रता, शुद्धता, सामूहिकता और व्रतियों के लिए बेहद कठिन माने जाने वाले इस पर्व की आस्था में हर धर्म के लोग स्वतः बंधे चले आते हैं। सुनिए वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े देसी दवाखाना के वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये प्रकृति ही जीवन है, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं और भगवान जो हम मान रहे हैं तो कणकण में भगवान का वास है। तो प्रकृति में पांच तत्व हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, सभी जानते हैं इस चीज को। तो भगवान में पांच अक्षर, जैसे भो से भूमि सबकी जननी है, गो से गगन सबका आकाश पिता है, और व से वायु सबका प्राण दाता है, और आ से अग्नि सूर्य नारायण देवता है, और नौ से नीर। तो इस संसार में तीन हिस्सा जल है और एक हिस्सा पृथ्वी मरुस्थल। तो भगवान का स्वरूप ही है भगवान, प्रकृति भगवान है। तो छठ जो है हमारे यहाँ हर उत्सव पर्व से जुटा, मतलब वैज्ञानिक तिथि पर तो हमारे ऋषि मुनि बनाए हैं इसको। हमारे जो इतिहास में रहे हुए हैं कर्ण के समय का, माता सीता की हैं, पांडव द्रौपदी अपना करी हैं, पांडव के वन से छुटकारा दाने के लिए उतने कष्ट में महाभारत के समय जो था, सांब भगवान कृष्ण के लड़के कृष्ण सांब को कुष्ठ हुआ तो इसी से ठीक हुआ। तो इसकी महिमा अपरंपार है, इसके शब्द में बखान करना असमर्थ है लोगों को। फिर भी आप जाने प्रकृति एक स्वस्थ तरीके से रहने के तरीका सिखाती है। हम सुबह शाम अर्घ देते हैं जल पर, तो जल का वैज्ञानिक कारण यह है कि जब जल को हम ऊपर से डालते हैं तो उसे छन के जो सूर्य की किरणें आती हैं वो प्रिज्म के द्वारा में से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के रोगों को दूर करती है, और वो उससे हमें बहुत फायदा। सुबह शाम का वायु, स्वच्छ वायु मिलता है, इसे करना चाहिए। खाली नंगे पांव चलना और फास्टिंग उपवास से सबसे बड़ी महिमा है। जब कोई रोग काम न करे तो उपवास सबसे बड़ी चीज़ है। इसे उपवास भी एक वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन मैं एक आगाह करना चाहूँगा कि उपवास तो लोग कर रहे हैं या निर्जला कर रहे छठ में, लेकिन उपवास तोड़ना उससे भी कड़ा नियम है। उपवास को कभी लगातार अचानक तेल मिर्च मसाला या कोई चटपटा चीज़ ना खाएं। उसके बाद दूसरे दिन जाकर के नींबू पानी से तोड़े कोई फल खाएं, धीरे धीरे भोग जाए, तीसरे दिन ही भोजन करें ठीक से वो, क्योंकि ये अक्सर उपवास का जो महिमा है उसको खत्म हो जाता है। उपवास सारे रोगों का जड़ है। जब हम कुछ नहीं करते बॉडी खुद अपना आप रिपेयरिंग स्वयं कर लेता है। इसे छठ पर्व को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाते वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिकित्सा दृष्टिकोण से स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक, सभी व्यक्तियों को जानना मनुष्य के लिए ये एक वरदान है। छठ पूजा को लेकर भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन सहित नगर निगम के कर्मियों ने शहर के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया। मेयर ने बूढ़ानाथ घाट, खिरनी घाट, आदमपुर घाट, पिपली दाम घाट, बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट एवं अन्य घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर और डिप्टी मेयर ने घाटों पर बैरिकेडिंग, रोशनी और साफ सफाई के निर्देश दिए। इधर बूढ़ानाथ घाट पर उपकार क्लब की ओर से छठ पूजा को लेकर विशेष रूप से घाट की साफ सफाई कराई जा रही है। उपकार क्लब के अध्यक्ष मुकेश यादव एवं कोषाध्यक्ष बबलू गुप्ता के नेतृत्व में आज साफ सफाई अभियान चलाया गया। निरीक्षण करना स्टार्ट किया और पूरा बरारी घाट तक आए, उसमें से जो सबसे बेहतर घाट हमको लगा वो आदमपुर घाट था और लंच घाट था। और बरारी घाट में भी बहुत सारा काम बाकी है, उसमें काम भी बाकी है। बैरिकेटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके लिए हमने सिटी मैनेजर और योजना प्रभारी को बोला है। और जितना भी तरह का लाइट देखे कि लग रहा था लाइट की व्यवस्था हो रही थी, और कई अन्य घाटों में इसके अलावा, इन तीनों घाटों के अलावा जैसे खिरनी घाट और भी पिपली धाम घाट, ये सारे घाटों पर अभी पुआल कसार की व्यवस्था नहीं हो पाई है सही ढंग से। उन सब चीज़ों के लिए हमने निर्देशित किया है कि पुआल कसार की व्यवस्था करें,
और लोग लेके आ जा रहे थे, और अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमको लगता है कल तक वो भी दुरुस्त हो जाएगा। बाद बाकी का जितना सारा घाट है और लाइटिंग की भी व्यवस्था प्लस बैरिकेटिंग जो भी है, जो भी कमी है, वो कल सुबह तक सब चीज़ पूरा हो जाएगा। बरारी पुल रिवर फ्रंट जो बना है उसमें स्मार्ट सिटी को 5 साल तक मेंटेनेंस है। जो गाद वहाँ पे अभी है वो तो हमने अभी देखा है, वो कई फीट तक वहाँ पे गाद है। अभी तुरंत कल पूजा है, वो गाद हटाना मुश्किल है, तो उसको बैरिकेड कर दिया जाएगा अभी, और बाद में उसकी क्लास लगाई जाएगी स्मार्ट सिटी वालों की कि आपने उस गाद को गंगा में क्यों डाला। जैसे पानी नीचे गया तो उस गाद को फिर बैक वापस डालना था, गंगा में क्यों डाला, जिसके कारण कि पानी जो है बहुत दूर चली गई है और सीढ़ी से और वहाँ पर गाद। ऐसे भी तो जो निगम की तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उसको जो भी थोड़ा सा बचा हुआ गाद वाला पोर्शन उसको छोड़ के, बाद वहाँ के घाट बहुत अच्छा है, उसमें श्रद्धालु हमारे सब लोग आकर के उसमें पूजा कर सकेंगे, और उसके लिए उसकी क्लास लगाई जाएगी बाद में। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuleddbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पैती थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में भाई भाई में झड़प हो गई, जिसके बाद शंभुनाथ राय ने अपने ही सगे भाई पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि लक्ष्मीपुर में आपसी विवाद में भाई भाई में हुए झगड़े, गाली गलौज और तीखी नोकझोंक के बीच लाइसेंसी पिस्टल से शंभू राय ने गोली फायर कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इसके बाद पीरपैंती थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और फायर करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उसका लाइसेंसी पिस्टल, दो नाली बंदूक, 34 जिंदा कारतूस, 12 बोर का एक खोखा एवं पिस्टल की 37 गोली भी बरामद की है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। इधर कहलगांव SDPO अर्जुन कुमार गुप्ता ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। गाँव में शमुनाथ राय और उसके परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है, झगड़ा में शमुनाथ राय जो है फायर किया हुआ है जान से मारने के उद्देश्य से। तो जब वहाँ पहुँचा गया तो देखा है कि उसके हाथ में रिवाल्वर था, तो रिवाल्वर लेकर के वो धमकी भी दे रहा था, तो रिवाल्वर लिया गया। फिर घर की तलाशी की गई तो 12 बोर का उसके पास एक पाया गया दूसरा गन। दोनों गन उसका लाइसेंसी है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत है, परंतु एक 12 बोर वाले का लाइसेंस जो है 2023 तक ही है और पिस्टल का रिवॉल्वर का गन है 25 तक रजिस्टर्ड है। वह बतलाता है कि मैं गार्ड हूँ, मैं लाइसेंस लिया हूँ, पर लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं है। दूसरी चीज़ की जो इनको गोली मिली थी उसकी संख्या 45 और 36 था, परंतु उसमें से उतना गोली ना होकर गोली कम होगा। पूछा गया क्या किए गोली, तो बोला कि हमने फायर किया है। इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास इसका है, आपराधिक इतिहास है। 2012 में एक केस हुआ है, आर्म्स एक्ट का ही केस हुआ है। फायरिंग सर किस मामले को लेकर क्या है? उसका कहना है कि जमीन के विवाद, भाई भाई हमको मारने आए और फायर किया। सर वे जेल भी जा चुके हैं, उनका कहना है कि आत्मरक्षा में नहीं, आत्मरक्षा में नहीं, लेकिन वो भाइयों के बीच दहशत फैलाने के लिए उद्देश्य ही। विवाद का कारण क्या था? जमीन विवाद बता रहा है, जमीन केस चल रहा है। एक्स आर्मी मैन है क्या ये? हाँ, दोनों भाई आर्मी मैन ही है। ये मतलब आर्मी से रिटायर होगा आर्मी में। हाँ सर, दूसरे भाई का क्या नाम है? सर दूसरे भाई का नाम जयराम राय, पिता राम प्रवेश राय। इनका नाम है? नहीं, दूसरे भाई का। इनका शमुनाथ राय। सर लाइसेंस का सत्यापित क्या गया? हाँ किया गया है लाइसेंस, अभी तक इसकी पर्ची से देखा गया और सत्यापन कराया जाएगा कि लाइसेंस निर्गत है या नहीं है। हथियार कौन कौन सा बरामद हुआ है? एक है रिवॉल्वर .32 और एक है 12 बोर का गन। 32 पॉइंट का गोली कितना है सर? 32 पॉइंट गोली हो गया आपका 37 जिंदा गोली है, 37। हाँ, और 12 बोर का? 12 बोर का 34 जिंदा गोली है और एक खोखा है, जबकि इसके बुक से दिखा गया तो उसमें 45 12 बोर का और 37 रिवॉल्वर की गोली इशू है, शेष गोली गायब है। अगली कार्रवाई क्या होगी सर? अभी इसका जांच कराया जाएगा और इसके गन का सत्यापन कराया जाएगा, फायर किया है कि नहीं किया है, और जैसा कि प्रदर्शन बता रहे हैं कि फायर करके दहशत फैलाया है वहाँ पर, और इसकी सत्यापन गोली फायर किया था वहाँ बताया गया कि एक खोखा नहीं दिया। थोड़ा सा माइंडली रूप से ये आदमी विक्षिप्त है, ऐसे आदमी को गन नहीं इशू करना चाहिए। पीरपैंती के मानिकपुर में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने छठ व्रत करने वाली छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान, पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, लक्ष्मी खेतान, मीना खेतान, नीतू शर्मा, राम खेतान, अनुराधा खेतान, SI आमोद ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। आप सभी भक्तजनों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हैं। साथ ही हम सभी से निवेदन भी करेंगे कि जितने भी लोग ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सावधान रहें, नशा खुरानी गिरोह से पूरी तरह से सावधान रहें। ये पूरे देश में बड़ी समस्या है जिसके लिए पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF और GRP के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। छठ पर्व हमारा महापर्व, छठ पर्व को मानते हैं हम सभी, और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से सभी हमारी बहनों को, माताओं को साड़ी और नारियल वितरण किया गया है, जो व्रत करती हैं बढ़ती हैं उनके लिए। धर्म के प्रति कुछ खास ही केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ जो है एक्टिव है, क्या कहेंगे? इसका कारण है क्योंकि हमारे
हमारी ऐसी सोच है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी सहारा नहीं है, इसके उसके सहारे से अच्छा है कि हम भगवान को ही माने। अगर वो साथ हैं तो दुनिया में किसी के साथ की भी जरूरत नहीं होती है। धर्म का बहुत महत्व है। सौभाग्य की बात है कि आज रेलवे यात्री संघ अपने गांव को नहीं भूला, अपने गांव में आकर जो छठी व्रती हैं उनके बीच साड़ी और नारियल का वितरण करके अपने ग्रामीण जो परंपरा उसको निर्वाह करते हुए किसी को भूलना नहीं। और ये कार्यक्रम आज जो यहां हुआ है, आगे बहुत जगह करते हुए लोग आ रहे हैं, तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। इस सबके बारे में सोचते हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, ये लोग बधाई के पात्र हैं। और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं उनके लिए प्रेरणा है। एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कार्यक्रम समाज के लिए कर रहा है तो समाज के लिए गर्व का विषय सबके लिए है। लेकिन सबको अपने स्तर से भी कुछ न कुछ अपने स्तर से करना चाहिए।